गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ सागरिका शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, स्पेसिफिकली एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी के, जो कि हमारे लिए मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम्स में मेनली जो है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स से क्वेश्चन रेज होते हैं और हमारे रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जिसने भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा जिसने भी टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जो है वो न्यू अपडेट्स किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे और हमारे कोर्स के रिलेटेड भी वहाँ पर आपको सारी अपडेशन मिलती रहेंगी, कोर्स के रिलेटेड, कंटेंट के रिलेटेड एंड बुक्स के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल लीफ स्पॉट्स विद कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर द सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो पैथोजन के सिम्टम्स पूछे गए हैं, सिम्टम्स से ही उसका नेम जो है वो ये बताने के लिए बोला गया है। तो अब हमारे लिए यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर पेस्ट के या इंसेक्ट के उस पर्टिकुलर प्लांट पे क्या सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से वो उस प्लांट को डैमेज या फिर कॉज करता है। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड लगा दी है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पैथोजन्स या फिर पेस्ट की अगर हम बात करें तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनली स्पॉट्स की फॉर्म में ही होते हैं, बट यहाँ पे उन स्पॉट्स को भी जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है। वहाँ यहाँ पे पूछा गया है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के बारे में। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाले पर्टिकुलर सिम्टम जो है वो किस पैथोजन की स्पीशी की वजह से कॉज होते हैं और उसके किन किन प्लांट्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है या किस प्लांट के लिए वो हार्मफुल होता है। तो कॉन्सेंट्रिक वर्ड तो हमने जो है वो पढ़ा हुआ है, उसका मतलब होता है कि जो सर्कल, कंटिन्यूस सर्कल बन रहे हैं विद द सेम सेंटर, उसको हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। मतलब कि सभी सर्कल्स का डायमीटर डिफरेंट है बट उनका सेंटर जो है वो सेम होता है, उसको हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की बात की गई है। मतलब कि जो उस पर्टिकुलर प्लांट के लीफ के ऊपर सिम्टम्स शो होंगे, जो रिंग्स बनेंगी या फिर जो सर्कल्स होंगे, वो इसी प्रकार से कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होंगे। उन सभी का जो पूरा का पूरा सर्कल है उसके बीच में जो रिंग्स हैं, सभी का कलर जो है वो डिफरेंट होता है। इसी की वजह से हमें स्पेसिफाई हो जाता है कि जो रिंग्स बन रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, उनका कलर डिफरेंट है और उनको हम कलेक्टिवली जो है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो हैं वो किस पैथोजन के सिम्टम्स हैं, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में जो है वो सभी के साइंटिफिक नेम बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि किस पैथोजन का साइंटिफिक नेम क्या है, हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, कम से कम हमें उनका तो पता ही होना चाहिए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉजिंग या फिर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पैथोजन होती हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे हेलमेंथोस्पोरम। तो यहाँ पे हमें ओनली जीनस गिवन है तो हमें जीनस से ही एस्टिमेट हो जाना चाहिए कि ये किस पेस्ट का नेम है और ये किस क्रॉप का स्पेसिफिक पेस्ट है। तो यहाँ पे फर्स्टली जो है वो हेलमेंथोस्पोरम के बारे में बताया गया है। हेलमेंथोस्पोरम जो है वो एग्जाम में ऑप्शन में, क्वेश्चन में ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि किस पेस्ट का साइंटिफिक नेम है। तो आपने सभी ने सुना होगा, सबसे पहले आप यही बताओ कि ये किस क्रॉप का और कौन सा पेस्ट है और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है हेलमेंथोस्पोरम का। उसके अलावा नेक्स्ट है कोलेटोट्राइकम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन है जो कि फ्रूट क्रॉप्स में या फिर वेजिटेबल क्रॉप्स में डिजीज को कॉज करता है। और इसकी दूसरी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये दोनों जो ये जो हॉर्टिकल्चर के अंदर डिजीज को कॉज करता है, ये दोनों ही कंडीशन में करता है, हमारे फील्ड कंडीशन में भी और स्टोरेज कंडीशन में भी। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा पैथोजन है जो कि फ्रूट क्रॉप्स में या फिर वेजिटेबल क्रॉप्स में स्टोरेज कंडीशन में डिजीजेस को कॉज करता है, या फिर आपका पर्टिकुलर फ्रूट या उस क्रॉप का नेम भी गिवन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सा फॉलोइंग में से स्टोरेज डिजीज है। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो कोलेटोट्राइकम है इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम एंथ्रेक्नोस के नेम से जानते हैं। तो आप सभी ने एंथ्रेक्नोस को तो बहुत बार सुना होगा और एंथ्रेक्नोस के सिम्टम्स भी आपको पता होंगे कि फ्रूट्स के ऊपर मेनली जो है वो बड़े बड़े ब्राउन कलर के पैचेस या फिर सर्कल स्पॉट्स बन जाते हैं, तो उसको हम जो है वो, और पूरा का पूरा उस एरिया का टिश्यू रप्चर ब्रेक हो जाता है, ब्राउन कलर के नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं, उनको हम जो है वो बोलते हैं एंथ्रेक्नोस। तो अब
फर्स्ट ऑप्शन बताया है आपने कि फर्स्ट जो है वो राइस का डिजीज है, तो राइस का तो चलो हो गया, ये डिजीज है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि इसका कॉमन नेम क्या है, किस नेम से हम इसके राइस को इसका डिजीज क्लासिफाई करते हैं, इसका नेम क्या है। इसके अलावा क्लेटोट्राइकम जो है वो एंथ्रेक्नोज जाना जाता है इसको, और पपाया के अंदर हमारी जो मेनली फ्रूट क्रॉप्स हैं उन सभी के अंदर ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, और ये स्टोरेज कंडीशन में भी एज अ डिजीज हमारी क्रॉप्स को हार्म करता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन काफी बार ये आ जाता है कि पपाया के अंदर मोस्ट कॉमन जो स्टोरेज डिजीज है वो कौन सा है, तो उसका आंसर भी जो है वो एंथ्रेक्नोस है। उसके अलावा नेक्स्ट है ऑल्टरनेरिया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। तो ऑल्टरनेरिया को हम मेनली जो है वो अर्ली ब्लाइट बोलते हैं, और ये जो है वो हमारी क्रूसीफेरेसी जो फैमिली है, कैबेज कॉलीफ्लावर की जो फैमिली है, उस फैमिली के अंदर ये डिजीज मोस्ट कॉमन है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में होते हैं, और आप जो है उसका रिंग का जो आउटर सर्कल का आउटर मोस्ट लेयर सर्कल होता है, उसके अराउंड जो है वो येलोश कलर जो है वो अपीयर हो जाता है। तो ये जो है मेनली क्रूसीफेरेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट डिजीज है, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमन है। और सभी ने इसका आंसर किया है कि पायरिकुलेरिया जो है वो राइस ब्लास्ट है। तो आप सभी का आंसर राइट है, पायरिकुलेरिया और राइजे इसका साइंटिफिक नेम है, और ये ब्लास्ट डिजीज है राइस का। तो अब ये बताओ कि ब्लास्ट डिजीज को और किस नेम से जानते हैं और इसके सिम्टम क्या है। वैसे आगे हम इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सेम ब्लास्ट डिजीज का। पायरिकुलेरिया, सॉरी, जो हेलमेंथोस्पॉरम था वो गलत बताया है आपने, जिसने भी फर्स्ट को बताया है वो गलत है। पायरिकुलेरिया और राइजे जो है वो ब्लास्ट का साइंटिफिक नेम है। अब हेलमेंथोस्पॉरम किसका है, किसी ने इसका आंसर नहीं बताया है। तो हेलमेंथोस्पॉरम जो है वो आपका ब्राउन लीफ स्पॉट राइस का जो डिजीज है इंपॉर्टेंट, हेलमेंथोस्पॉरम और राइजे, ये इसका इसका साइंटिफिक नेम है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है राइस का। और इसके जो लीफ, ये मेनली लीव्स को डैमेज करते हैं, इसकी वजह से पूरा का पूरा प्लांट डैमेज हो जाता है। तो ये जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पायरिकुलेरिया ब्लास्ट का साइंटिफिक नेम है, और ब्लास्ट को अब हम किस किस नेम से जानते हैं ये आपने आंसर करके बताना है। तो अब एंथ्रेक्नोस क्लियर हो चुका है। अल्टरनेरिया जो है वो मेनली क्रूसीफेरेसी फैमिली का है, मस्टर्ड के अंदर भी यही मोस्ट कॉमन डिजीज होता है। तो अब आपको जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक वर्ड मिलेगा तो आपको आप इसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। क्रूसीफेरेसी अगर फील्ड के अंदर जाओगे, कैबेज कॉलीफ्लावर के फील्ड के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे आपको जो है वो लीफ के ऊपर कॉमन ये डिजीज मिल जाएगा, अगर वहाँ पे डिजीज ये इसका अटैक हुआ रहा है। तो उसके रिंग्स जो है वो क्लियरली एंड आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। तो आपको जो डिजीज है क्लियर हो जाएगा कि ऑल्टरनेरिया जो है वो इसका कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं लीव्स के ऊपर, इसका मेन कॉमन डिजीज का जो है ये नेम है। तो एग्बी फैन क्लब ने इसका आंसर किया है कि हम ब्लास्ट को बंगाल फेमाइन के नेम से जानते हैं, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। वैसे इसका नेम हम ये इसको नेम नहीं बोल सकते हैं कि बंगाल फेमाइन इसका नेम है, बेसिकली इसका जो दूसरा नेम है ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस पायरिकुलेरिया का, जो हमारा ब्राउन लीफ स्पॉट है इसको हम ये इसको बंगाल फेमाइन बोलते हैं, और जो पायरिकुलेरिया है ब्लास्ट है इसको जो है वो रिच मैन्स डिजीज भी बोला जाता है राइस के अंदर, रिच मैन्स या पुअर मैन्स डिजीज। तो इसका आंसर आपने करना है, और जो आपका ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है इसको बंगाल फेमाइन बोलते हैं, क्योंकि इसने बंगाल फेमाइन को कॉज किया था। फेमाइन का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, जगह में भूखमरी आ जाना। तो भूखमरी किसकी वजह से आएगी, जब वहाँ पे फूड की डेफिशिएंसी या फिर फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो बंगाल में बेसिकली क्या हुआ था, ब्राउन लीफ स्पॉट की वजह से, जिसका नेम हेलमेंथिसपोरम है, उसकी वजह से पूरी की पूरी राइस की क्रॉप खराब हो गई थी, और तब वहाँ पे जो है वो राइस के क्रॉप के लॉसेज हो गए थे। इसकी वजह से ही जो है वो हम इसको बंगाल फेमाइन के नेम से भी जानते हैं, और ये क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में आ जाता है। उसके अलावा अक्षिता ने आंसर किया है, एंड बाकी सभी ने भी इसका आंसर जो है वो रिच मैन डिजीज किया है। आप सभी का आंसर राइट है, ब्लास्ट को हम जो है वो रिच मैन डिजीज के नेम से जानते हैं, प्लस आपको इसका जो है वो साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। पायरिकुलेरिया और राइजे जो है इसका साइंटिफिक नेम है, इसके अलावा ब्राउन लीफ स्पॉट का हेलमेंथिसपोरम और राइजे, तो दोनों की जो स्पीशी है वो राइजे ही है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये राइस का डिजीज है, बट जीनस हमें पता होनी चाहिए कि किस डिजीज की कौन सी जीनस है, कौन सा इसको जो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है वो कौन सा है, उसका जीनस क्या है, ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे चार जो कि इंपॉर्टेंट डिजीज थे वो कवर हो चुके हैं, इन चारों से आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है डिजीज़ का, तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या पूछा गया है, दैट मॉस्फेरिक कंडीशंस
कंडक्टिव फॉर टू मोस्ट प्लांट डिजीजेज आर, मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीजेज को कॉज होने के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो मोस्ट फेवरेबल होती हैं, तो ये तो हम सभी जानते हैं, इसी वजह से हम उनके कंट्रोल भी उसी प्रकार से करते हैं। तो मेन जो हमारा डिजीज को स्प्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, वो होती है ह्यूमिडिटी या फिर उस एरिया का पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, या उस एरिया उस पर्टिकुलर जो हमारी क्रॉप है उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, ये उसका फेवरेबल होता है उस डिजीज को स्प्रेड होने के लिए। तो उसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर, नेक्स्ट वन इज लो ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर, थर्ड वन इज लो ह्यूमिडिटी एंड कूल टेम्परेचर, एंड लास्ट वन इज हाई ह्यूमिडिटी एंड कूल टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे जो मोस्ट फेवरेबल पूछा गया है, सभी इसका आंसर वन ऑप्शन किया है, तो वन ही इसका जो है वो राइट आंसर है, हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर। तो दोनों ही कंडीशन जो है वो डिजीज को स्प्रेड होने के लिए या फिर डिसेमिनेट होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी तो चलो हमें पता थी, अब वार्म टेम्परेचर कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे डिजीजेज हैं इंपॉर्टेंट डिजीज फंजाई बैक्टीरिया के थ्रू डिसेमिनेट होते हैं, तो उनमें जो है उनके स्पोर जो है वो हाई टेम्परेचर में ही फर्दर रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसी वजह से हाई टेम्परेचर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि लो टेम्परेचर में या फिर कूल कंडीशन में डिजीजेज का अटैक नहीं होगा, ये टोटली रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि डिजीजेज का अटैक उस कंडीशन में भी होगा। अगर टेम्परेचर कूल है तो वहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा लो हमारा ह्यूमिडिटी का, ह्यूमिडिटी वहां पे हाई होती है और इसी वजह से वो कंडीशन भी जो है वो डिजीज के लिए फेवरेबल होती है। बट जो मोस्ट कॉमन है जिसमें मोस्ट ऑफ द पेस्ट डिजीजेस अटैक करते हैं वो कंडीशंस कौन सी हैं, वो है हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिजीज ऑफ राइस स्फीयर अंडर हाई नाइट्रोजन सप्लाई हैंस कॉल्ड रिच मैन्स डिजीज इज वॉट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रिच मैन डिजीज हम किस डिजीज को बोलते हैं, राइस के अंदर कौन सा डिजीज है। तो आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा कि ब्लास्ट डिजीज को, जो कि रिच मैन डिजीज ऑफ राइस है, किसकी वजह से कॉज होता है, पायरिकुलेरिया और राइजा की वजह से कॉज होता है। तो ये राइस का इंपॉर्टेंट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है। बट यहाँ पे एडिशनल बात ये बोली गई है कि ये डिजीज जो है वो हाई नाइट्रोजन सप्लाई कंडीशन में ज्यादा कॉज होता है, वहां पे मोस्ट सीवियर है। दूसरी कंडीशन में भी वैसे तो ये होगा, बट सीवियर किस कंडीशन में होगा, जहां पे नाइट्रोजन सप्लाई ज्यादा हो रही है। तो अब नाइट्रोजन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इस डिजीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन सप्लाई ज़्यादा होगी, हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी। अगर प्लांट की ग्रोथ एक तो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, दूसरा जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है वो मोर सकुलेंट होगी, मतलब कि उसके लीफ जो होंगे ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा फ्रेश होंगे, ज़्यादा उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा, जिसकी वजह से कि वो पेस्ट्स को ज़्यादा, डिजीज को ज़्यादा कॉज करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी वजह से ब्लास्ट डिजीज जो राइस का है वो हाई नाइट्रोजन सप्लाई कंडीशन में ज्यादा होता है। इसी के अलावा अगर हमने दूसरा डिजीज राइस का डिस्कस किया था, जो कि हेलमेंथस पोरमराइजी था, जिसका दूसरा नेम था ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, तो वो किस कंडीशन में ज्यादा होता है, वो होता है पोटाश डेफिशिएंट सॉइल्स में। तो दोनों ही बातें आपको आ सकती हैं। आपको न्यूट्रिएंट के परस्पेक्टिव में भी पता होना चाहिए कि ये डिजीज जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन सा डिजीज और किस न्यूट्रिएंट की वजह से जो है वो कॉज होगा। तो ब्लास्ट जो है वो हाई नाइट्रोजन सप्लाई कंडीशन में होगा, और अगर हम ब्राउन लीफ स्पॉट की बात करें तो वो इस कंडीशन में होगा जिस सॉइल में जो है वो पोटाश की डेफिशिएंसी होगी। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। न्यूट्रिएंट का पॉइंट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं। प्लस अब ब्लास्ट डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं, मेनली लीफ के ऊपर इसके सिम्टम्स होते हैं, लीफ को ये ज्यादा कॉज करता है, लीफ को डैमेज करता है। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें तो जो हमारे राइस के ग्रेन्स होंगे वो अनफील्ड रह जाएंगे, मतलब कि उसके अंदर जो है वो राइस के जो उसके अंदर ग्रेन्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। दूसरा अगर ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो भी जाएगी तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक केमिकल जो है टॉक्सिक केमिकल जनरेट हो जाएंगे। तो कोई बता सकता है कि उन केमिकल्स का क्या नेम है जो कि राइस के अंदर ब्लास्ट डिजीज होने के बाद उसके ग्रेन्स के अंदर डेवलप हो जाती है, वो केमिकल्स का नेम क्या है। उसके अलावा अगर हम दूसरे डिजीज की बात करें, खैरा डिजीज ऑफ राइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी वजह से होता है, ये जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेसिकली, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस का डिजीज है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है ब्राउन लीफ स्पॉट, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये पोटाश डेफिशिएंट सॉइल्स में ज़्यादा होता है और इसके सिम्टम्स भी जो है वो लीफ के ऊपर ही ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नन ऑफ दीज। तो अब मैं बात कर रही थी कि ब्लास्ट डिजीज अगर राइस में हो जाएगा तो ये फंजाई जो है वो
प्लांट के अंदर या फिर ग्रेन्स के अंदर कौन से हार्मफुल केमिकल्स को सिक्रीट करती है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वीट के अंदर कौन सा डिजीज है जिसके अंदर की उसकी ग्रेन्स की जो स्मेल है वो फिशी स्मेल हो जाती है, फिशी रोटन फिश की जैसी स्मेल हो जाती है, और वो किस कंपाउंड की वजह से होती है। तो दोनों, अब यहाँ पे दोनों केमिकल्स के नेम आपको पता होने चाहिए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ब्लास्ट डिजीज के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, पाइकोलिनिक है, दूसरा कौन सा है, प्यूरिक्लोरीन है। ये दोनों केमिकल जो हैं वो तब उनकी की फॉर्मेशन तब होगी जब राइस के अंदर ब्लास्ट डिजीज का अटैक होगा, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी क्रॉप हमारी खराब हो जाएगी। अब हम बात कर रहे थे कि वीट का कौन सा डिजीज है, तो वीट का कनाल बंट, जिसको हम कैंसर ऑफ वीट भी बोलते हैं, तो कनाल बंट की वजह से अगर वीट के अंदर कनाल बंट का अटैक हो गया है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो हमारा ग्रीन है उसके अंदर फिशी रोटन स्मेल जो है जनरेट हो जाती है, और किस कंपाउंड की वजह से होती है ये तो सभी ने बता दिया है कि ट्राईमिथाइल अमाइन की वजह से होगी। योनस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बट अगर हम राइस के ब्लास्ट डिजीज की बात करें, जो कि हमने बहुत कम पढ़ा हुआ है कि कौन से केमिकल उसके अंदर जनरेट होते हैं, तो ये दोनों नेम्स आपने ध्यान में रखनी है, पाइकोलिनिक एसिड एंड पाइरिक्लोरीन। ये दोनों जो है वो उस टाइम पे उसमें केमिकल जो है वो जनरेट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए टॉक्सिक भी होते हैं। तो अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडरी माइल्डो डिजीजेस आर जनरली कंट्रोल्ड बाई, तो पाउडरी माइल्डो डिजीजेस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाउडरी माइल्डो डिजीजेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से स्पोर इनको कॉज करते हैं, प्लस डाउनी माइल्डो एंड पाउडरी माइल्डो में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम यही दोनों चीज़ों में एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाती हैं कि जो ऑप्शन में सिम्टम दिए हुए हैं या फिर क्वेश्चन में जो सिम्टम पूछे हुए हैं वो किस डिजीज के हैं, डाउनी के हैं या फिर पाउडरी के हैं। तो सबसे पहले हम इसको ही क्लियर करेंगे कि डाउनी माइल्डो और पाउडरी माइल्डो में डिफरेंस क्या होता है, उनकी जो उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनके स्पोर्स में क्या डिफरेंस होता है, प्लस उनके साइंटिफिक नेम में क्या डिफरेंस है। तो साइंटिफिक नेम को तो इसका आपने बताना है कि डाउनी माइल्डो का और पाउडरी माइल्डो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डाउनी माइल्डो, डाउनी मींस टू से कि बिलो द सरफेस या फिर डाउन द सरफेस। तो डाउनी माइल्डो जो है वो लीफ के डाउनी मतलब कि बिलो द लीफ में जो है इसका अटैक सबसे पहले वहां पे होता है, किस फॉर्म में होता है, तो ये मेनली जो है वो कॉटनी ग्रोथ, कॉटनी सब्सटेंस या फिर कॉटनी फाइबर लाइक ग्रोथ जो है वो लीफ के नीचे वाले पोर्शन में डेवलप हो जाती है, और जो लीफ का अबव सरफेस होता है उसमें जो है वो येलोइश कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ये जो सिम्टम है वो हमारे डाउनी माइल्डो को होते हैं, प्लस दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो है वो किन स्पोर्स की वजह से होते हैं, जो फंजाइस को कॉज करती है उस वो कौन से स्पोर की वजह से डाउनी माइल्डो डिजीज होता है। तो ये जो है वो ओमाइसीट्स स्पोर की वजह से होता है डाउनी माइल्डो। इसके अलावा यही सेम सिम्टम जो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते तो वहाँ पे सेम लिखे होते हैं कि वो कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि ऊ स्पोर्स की वजह से होता है और ऊ माइसिटिस को जो है वो जनरेट करते हैं, ऊ स्पोर्स होते हैं बेसिकली अगर हम स्पोर्स की बात करें। और अगर हम पाउडरी माइल्डो के अंदर स्पोर्स की बात करें तो वो कौन से स्पोर्स होते हैं, वो होते हैं एस्कोस्पोर्स। दोनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, एस्कोस्पोर्स किस में है, डाउनी वाले वर्ड में ओ वर्ड की साउंड ज़्यादा आ रही है तो उसके अंदर ऑस्कोस्पोर्स हैं, ओ स्पोर्स हैं, और जो हमारा पाउडरी माइल्डो है उसके अंदर एस्कोस्पोर्स होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये आता है कि कौन सा ऐसा डिजीज है फॉलोइंग में से जिसके अंदर क्या होगा कि लीफ के सरफेस पे, उन्होंने ये नहीं लिखा होता कि बिलो सरफेस है या अबव सरफेस है, जनरली ये लिखा होगा कि लीफ के सरफेस पे जो है वो कॉटनी ग्रोथ जो है वो कॉटनी टेंगल्ड ग्रोथ लाइक मास डेवलप हो जाता है, तो ये किस डिजीज के सिम्टम है। तो ये किस डिजीज के हैं, हमें लगेगा कि पाउडरी डिजीज के हैं क्योंकि कॉटनी तो हम उसको पाउडर के साथ रिलेट कर लेंगे, बट वो डाउनी माइल्डो के सिम्टम है। पाउडरी माइल्डो के जो है उसके ऊपर क्या होता है कि पाउडर फॉर्मेशन हो जाती है लीफ के दोनों सरफेसिस पे ही होगी, अबव होगी, ब्लो भी होगी, बट ज्यादा जो है वो अबव द सरफेस होती है। प्लस दूसरा ये आ जाता है कि जो पाउडरी माइल्डो डिजीज है वो प्लांट के किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है। तो अब हम यहाँ पे दोनों जगह पे लीफ की बात कर रहे हैं कि लीफ में होती हैं, बट इसके अलावा लीव्स के अलावा पाउडरी माइल्डो जो है वो प्लांट के किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है लीफ, तो इसका आंसर आएगा ही, प्लस दूसरा क्या है,
बर्ड्स को भी अटैक करता है और हमारे फ्लावर फ्रूट इनफ्लोरोसेंस जो भी है इन सभी को जो है वो पाउडरी माइल्ड डिजीज अटैक करता है, अफेक्ट करता है। कौन से स्पोर्स की वजह से होता है? ये होता है एस्कोस्पोर की वजह से, डाउनी माइल्ड जो है वो उस स्पोर्स की वजह से होता है, और ये बिलो द सर्फेस कॉटनी ग्रोथ होती है। तो अब क्वेश्चन ये था कि पाउडरी माइल्ड डिजीज जो है वो किसके थ्रू, किस केमिकल के थ्रू कंट्रोल होते हैं? तो वो सल्फर फंजीसाइड्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। आपने ध्यान में रखना है कि जो पाउडरी माइल्ड्यू है उसका जो सिम्टम है वो पाउडर फॉर्म में है, और जो फंजीसाइड है वो भी पाउडर फॉर्म में ही होता है, सल्फर फंजीसाइड। तो इनके थ्रू जो है वो इसको कंट्रोल किया जाता है, ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी इज नोन एज इंडियन बी? फॉलोइंग में से किस बी को, मेनली हनी बी को जो है वो इंडियन बी बोला जाता है? तो अब यहाँ पे भी जो है वो साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं बीज के, तो हमें अगर बीज के साइंटिफिक नेम से उनके कॉमन नेम पता है या फिर कॉमन नेम के साइंटिफिक नेम याद हैं तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इंडियन बी के बारे में पूछा गया है कि फॉलोइंग में से साइंटिफिक नेम इंडियन बी का कौन सा है, या फिर इंडियन बी हम किसको जानते हैं? तो एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सेरिना एंड एपिस मेलिफेरा, ये चारों जो हैं वो हनी बीज के नेम हैं जो कि हम जिनसे हनी प्रोडक्शन को, हनी कल्टिवेशन में, हनी प्रोडक्शन में जिसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कौन सी ऐसी रेवोल्यूशन है जो कि हनी की प्रोडक्शन को या फिर हनी की कल्टिवेशन को प्रमोट करती है? तो ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ने इसका आंसर किया है एपिस सेरिना और सेलजा ने इसका आंसर किया है फ्लोरिया। तो आपका आंसर जो है फ्लोरिया वाला बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एपिस सेरिना, या फिर इसका फुल नेम जो है वो एपिस सेरिना इंडिका इसको बोला जाता है, तो इसको हम इंडियन बी बोलते हैं। बाकी बीज कौन कौन सी इसको हम डिस्कस करते हैं। आपने नेक्स्ट स्टेप ये बताना है कि कौन सी ऐसी रेवोल्यूशन है जो हनी की प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हनी बीज किस किस टाइप की होती है? मेनली जो है वो हनी बीज की चार टाइप्स होती हैं, तो इसको हम किस किस नेम से जानते हैं? सभी ने आंसर जो किया है गोल्डन स्वीट रेवोल्यूशन, आप सभी का आंसर जो है वो राइट है। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी को प्लस हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए सेम रेवोल्यूशन है, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा था वहां पे एपिस डोरसेटा, तो एपिस डोरसेटा को रॉक बी बोलते हैं, और ये जो है वो लार्जेस्ट बी भी होती है, इसको लार्जेस्ट बी भी बोला जाता है। तो आपने बस साइंटिफिक नेम याद रखना है प्लस आपको उसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, और ये जो है वो लार्जेस्ट बी होती है। तो लार्जेस्ट की बात करें तो वो रॉक बी है। अब रॉक्स भी बड़ी बड़ी होती हैं, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट बी है वो भी बड़ी है, इसका नेम आपको डोरसेटा याद करना है। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर स्मॉलेस्ट बी की बात आई तो वो कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट बी जो होती है वो होती है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरा जो है वो स्मॉलेस्ट बी होती है, फ्लावर जो है वो काफी छोटे छोटे होते हैं, इसी वजह से हमें फ्लोरिया से याद आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट बी जो है वो एपिस फ्लोरिया होती है। इसके अलावा रिमेनिंग कौन कौन सी है? इंडियन बी, इंडियन बी का जो कॉमन साइंटिफिक नेम है वो है एपिस सेरिना इंडिका, पूरा नेम इसका जो है वो एपिस सेरिना इंडिका है। और नेक्स्ट हमारी है यूरोपियन बी। तो अब यूरोपियन बी क्यों एग्जिस्टेंस में आई? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी बी है जो कि, कौन सी ऐसी हनी बी है जिसने हनी की प्रोडक्शन के अंदर रेवोल्यूशन ला दिया, जिसकी वजह से हनी की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई, तो वो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एपिस मेलिफेरा, जिसको हम यूरोपियन या फिर इटालियन बी भी बोलते हैं। तो अब जो इंडियन बी थी इसको मेनली जो एपिस डोरसेटा है इसको हनी प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता है, और जो एपिस फ्लोरिया है इसकी हनी की जो प्रोडक्शन है वो काफी कम होती है, मेनली ग्राम्स में ही होती है पर हाइव, और इसी वजह से हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होती। इसके अलावा अगर हम इंडियन बी की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन भी जो है वो कंपैरेटिव टू यूरोपियन बी कम होती है, तो इसी वजह से जिस बी ने हनी कल्टीवेशन में जो है वो रेवोल्यूशन लाई है वो कौन सी बी है? एपिस मेलिफेरा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसकी आपको हनी की जो है वो प्रोडक्शन भी पता होनी चाहिए पर हाइव कितनी होती है। तो एग्जाम में बेसिकली यही आता है कि 45 kg पर हाइव जो है वो किस हनी बी की प्रोडक्शन होती है, तो ये मेनली एपिस मेलिफेरा इसका आंसर है, जिसको हम यूरोपियन या फिर इटालियन बी भी बोलते हैं। तो ये चार टाइप्स के इंपॉर्टेंट बीज हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि फॉलोइंग में से कौन सी स्टिंगलेस बी है, मतलब जिसके अंदर स्टिंग नहीं प्रेजेंट होता, या फिर जब वो बी बाइट करती है तो स्टिंग नहीं होता वहां पे। तो इसका मेनली आपको बस एक नेम ही याद करना है, मेलिपोना जो है ऐसी स्पीशी है जो कि स्टिंगलेस बी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बट इसको हनी प्रोडक्शन के लिए नहीं रियर किया जाता, ये मेनली बस इसका नॉर्मली जो है वो इंसेक्ट की कैटेगरी में ही आती है। इसके अलावा नेक्स्ट है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज सिचुएटेड एट, तो यहाँ पे हमारे लिए जो है वो किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे लिए याद करने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है
अब आपने बताना है किसका राइट आंसर क्या आएगा, बेंगलोर आएगा, मैसूर आएगा, मुंबई आएगा या फिर कोलकाता आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? शैलजा ने बोला है मैसूर। शैलजा आप श्योर हो कि इसका राइट आंसर मैसूर ही आएगा, बेंगलोर नहीं आएगा? सभी ने इसका आंसर मैसूर किया है। तो अब हम जो है सिल्क के रिलेटेड और इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि सिल्क की जो है वो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले क्या है, सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर कर्नाटका में है। तो इसी वजह से मैसूर कर्नाटका में तो ये वाला इंस्टीट्यूट है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर जो है वो बेंगलोर आएगा उसका आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है, सेंट्रल तसार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये सिल्क की एक टाइप होती है, तो इसके रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो रांची में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि तसार सिल्क का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है मुगा रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुगा भी जो है सिल्क की एक टाइप होती है। तो मुगा जो स्पीशी है सिल्क की, है सिल्क की जो टाइप है मेनली ये असम में ही होती है। तो एक तो ये आ जाता है कि जो मुगा सिल्क वॉर्म है वो कहाँ का है, मेनली किस एरिया में ज्यादा होता है, या फिर मुगा सिल्क की प्रोडक्शन किस एरिया की बेस्ट या फिर ज्यादा होती है, तो उसका जो आंसर आएगा वो असम ही आएगा। इसी वजह से ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी असम में ही है। बेसिकली जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो उसी एरिया में होते हैं जहाँ जहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज की प्रोडक्शन या फिर कल्टिवेशन ज्यादा होती है, तो वहीं भी उसकी रिसर्च होगी अगर वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए ज्यादा अडेप्टेबल है। तो इसी वजह से अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को आपने याद करना है तो उसके रिलेटेड आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी प्रोडक्शन या फिर इसका एरिया ज्यादा कहाँ पे है, वहीं पे इसका मेनली जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सेंट्रल सीरीकल्चर रिसर्च स्टेशन, तो इसका जो रिसर्च सेंटर है वो उड़ीसा में है। तो मेनली जो फर्स्ट थ्री है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होने चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सिल्क इज द सेक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंसेक्ट, तो जो सिल्क है वो इंसेक्ट के किस पार्ट की सेक्रीशन है। तो ये जो है वो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे इसके आंसर है, ऑप्शंस है मेल्फिगियन ट्यूबल्स, ट्रैकियल सिस्टम, कॉर्पोरेटा इलाटा, लेबियल। तो ये सारे जो हैं वो इंसेक्ट की जो इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी है उसी के ही पार्ट है, इंसेक्ट के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनके पार्ट्स हैं। तो अब आपको पता होगा कि मालफीगियन ट्यूब्स को बेसिकली इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन पर्पस के लिए जो है वो जो एक्सक्रीशन पर्पस के लिए इंसेक्ट के अंदर सिस्टम है उसको मालफीगियन ट्यूबल्स बोलते हैं। और इसके अलावा ट्रैकियल सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन में यूजफुल होता है। कॉर्पोरा इलेक्टा का बताओ कि क्या रोल होता है, या ये किस पर्पस के लिए इंसेक्ट के अंदर इस ऑर्गन का क्या रोल होता है कॉर्पोरा इलेक्टा का। अब सभी ने इसका आंसर किया है लेबियल। तो लेबियल तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। कोई बता सकता है कि जो लेबियल ग्लैंड्स है या फिर आपने इसका आंसर जो लेबियल किया है ये बेसिकली ये वाली जो ग्लैंड है इंसेक्ट की बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होती है लेबियल ग्लैंड? क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, लेबियल का दूसरा नेम भी आ सकता है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा इसका दूसरा आंसर, लेबियल को जो है हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, इसको जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स भी बोला जाता है। तो ये दोनों प्रकार से आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि इंसेक्ट का जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क इंसेक्ट के किस बॉडी पार्ट से जो है वो एक्सक्रीट होती है, तो इसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में स्पेसिफाइड कौन सी है, लेबियल से जो है वो सिल्क एक्सक्रीट होती है। इसके अलावा उषा ने बिल्कुल राइट आंसर किया है कि कॉर्पोरा इलाटा को इलाटा जो है वो जुविलाइन हॉर्मोन्स प्लांट के अंदर जो सॉरी इंसेक्ट्स के अंदर जो जुविलाइन हॉर्मोन्स होते हैं उनको एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि जो कॉर्पोरा इलाटा है उसका रोल क्या होता है। तो मेनली इंसेक्ट्स के अंदर जुविनाइल हॉर्मोन्स को जो है वो रिलीज करता है कॉर्पोरा इलाटा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, लेबियल का दूसरा नेम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मुगा सिल्क वॉर्म। अब यहाँ पे भी सेम जैसे हनी बीज में पूछा गया था कि फॉलोइंग में से कौन सी इंडियन बी है, यहीं पे सेम जो है वो मुगा सिल्क वॉर्म के बारे में पूछा गया है। वैसे मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि इसकी जो प्रोडक्शन है ज़्यादा किस एरिया में होती है या फिर ये किस एरिया की स्पेसिफिक सिल्क होती है।
तो इसका जो आंसर है, इसका जो नेम है, वो इसी की जो एरिया है प्रोडक्शन वाला, उसी के अंदर छिपा हुआ है। तो मेनली ये असम में ज़्यादा होती है, असम की स्पेसिफिक सिल्क है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका जो साइंटिफिक नेम है, वो है एंथेरिया एस्मेंसिस। तो आपने इसको इस प्रकार से याद करना है कि मुग्गा सिल्क वॉर्म, मुग्गा सिल्क को जो है वो सिल्क ऑफ असम भी बोला जाता है, और असम के अंदर इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये दोनों बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फर्दर सिल्क वॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस एरियाज में होते हैं, और उनके जो होस्ट प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वाला फर्स्ट नंबर पे जो है वो मलबरी सिल्क वॉर्म है, जो कि वाइट और क्रीमी कलर का होता है, और उसका साइंटिफिक नेम जो है वो बॉम्बैक्स मॉरी है। और ये जो है वो मेनली इसका जो होस्ट प्लांट है वो मलबरी प्लांट ही है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगी वो टू टाइप्स की होती है बेसिकली। फर्स्ट तो आपको उसका वॉर्म का साइंटिफिक नेम ही पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर वॉर्म होस्ट प्लांट कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में मेनली होस्ट प्लांट ही आता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि वो पर्टिकुलर काइंड की सिल्क या फिर वो पर्टिकुलर काइंड का जो वॉर्म है, सिल्क वॉर्म है, वो किस एरिया में रेयर किया जाता है फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। तो तीनों बातें जो हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे मलबरी सिल्क की बात की गई है, तो मलबरी सिल्क मेनली जो है वो कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एरिया में मेनली प्रोड्यूस की जाती है, और वहाँ पे जो है ये स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सी है, ट्रॉपिकल तसार सिल्क। अब तसार सिल्क जो है वो टू टाइप्स की होती है, यहाँ पर ट्रॉपिकल की बात हो रही है, तो उसी प्रकार से हमने इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। बट साइंटिफिक नेम के अलावा या इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जो होस्ट प्लांट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो होस्ट प्लांट है वो मोर देन वन है, इसी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो इसके होस्ट प्लांट है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले अर्जुन साल बेर। एग्जाम में क्वेश्चंस में ऑप्शंस आती हैं कि अर्जुन साल एंड बेर ये फॉलोइंग में से किस सिल्क वॉर्म का होस्ट प्लांट है। आपको तीनों ये अच्छे से पता होने चाहिए कि ये ट्रॉपिकल तसार सिल्क के जो है ये साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा एंथेरिया माइलिटा इसका साइंटिफिक नेम है, और एंथेरिया सेम जीनस जो है वो हमारा मुगा सिल्क वॉर्म का भी सेम जीनस होता है एंथेरिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो है वो हमारे काफ़ी एरियाज में प्रेजेंट होता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सभी में जो है कॉमनली पाया जाता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक एरियाज में होगा, ओनली वन और टू एरियाज में, उसी एरिया से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका एरिया याद करना। उसके अलावा नेक्स्ट है इरी सिल्क वॉर्म। तो इरी सिल्क वॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका होस्ट प्लांट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस प्लांट पे रियर किया जाता है। तो मेनली कास्टर पे रियर किया जाता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो कौन सा सिल्क वॉर्म है जो कि कास्टर प्लांट पे रियर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्लस इसका साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कौन से स्टेट्स में ज़्यादा होता है, ये जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा होता है। इसके अलावा है मुगा सिल्क वॉर्म, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मुगा सिल्क वॉर्म को। और मुगा सिल्क वॉर्म जो है वो मेनली इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि इसका जो सिल्क का कलर है वो गोल्डन येलो एंड ज़्यादा वो है अट्रैक्टिव होता है, और ज़्यादा उसके अंदर शाइन होती है। तो इसी वजह से इसको जो है वो स्पेसिफिकली असम में ही इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, असम की जो पर्टिकुलर सिल्क है उसमें ही ये करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसी वजह से इसको असम के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है, और इसको सिल्क ऑफ असम भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका नेम जो है वो एंथेरिया एस्मेंसिस है, इसी वजह से आपने ध्यान में रखना है कि साम के रिलेटेड हो गया इसका साइंटिफिक नेम, इसका स्पीशीज जो है वो साम के रिलेटेड है, प्लस जीनस तीनों का सेम हो जाएगा। किस किस का पीछे हमने पढ़ा था, ट्रॉपिकल तसार, यहाँ पे है टेम्परेट तसार एंड मुगा सिल्क, तीनों का जो जीनस है वो सेम है। बट एस्मेंसिस किसका आएगा वो आपने ध्यान में रखना, अगर आपको एस्मेंसिस याद आ चुका है तो उसी वजह से, अगर एस्मेंसिस पता चल जाएगा तो उसका ये किस एरिया में ज़्यादा होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेनली असम में होता है। और अगर टेम्परेट सिल्क की बात हो रही है, तो ओनली एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा सिल्क वॉर्म है जो कि टेम्परेट एरिया में रियर किया जाता है, या फिर जिसको टेम्परेट सिल्क बोलते हैं, तो वो कौन सा है, वो है ओक तसार, और मेनली ये ओक प्लांट पे रियर किया जाता है। तो ओक वाला और कास्टर वाला दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बार AFO मेन्स में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सोम एंड सोला जो ट्रीज हैं, इन दोनों के ऊपर कौन सा सिल्क वॉर्म रियर किया जाता है। तो ये जो है वो असम सिल्क वॉर्म, जो कि मुगा सिल्क वॉर्म जिसको हम बोलते हैं, वो वाला रियर किया जाता है। अब असम वर्ड में ज़्यादा एस की साउंड आ रही है, तो इसके जो होस्टिंग प्लांट हैं दोनों ही एस से हैं, एक में एक सोम है, दूसरा सोलू है, ये दोनों जो एग्जाम में एज इट इज ही क्वेश्चन आया था, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये था सिल्क वॉर्म के बारे में, सिल्क वॉर्म की क्लासिफिकेशन के बारे में, इसकी स्पीशीज के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है, लैक इज सिक्रेटेड बाय अ, तो लैक जो है वो ये भी एक इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है।
और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से इंसेक्ट जो है वो लैक को सिक्रीट करती हैं। नॉर्मली हम तो यही बोलते हैं कि लैक इंसेक्ट जो है वो लैक को सिक्रीट करता है, बट लैक इंसेक्ट क्या होता है, कौन सा इंसेक्ट है लैक इंसेक्ट, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लैक जो है वो किस इंसेक्ट के द्वारा सिक्रीट की जाती है, या फिर हम ये बोल सकती हैं कि किन इंसेक्ट्स की ये स्पेसिफिकेशन है जो कि लैक को सिक्रीट करती हैं। जैसे कि जो बटरफ्लाईज हैं, हमें पता है कि जो बटरफ्लाई का मेन बटरफ्लाई का कौन सी स्टेज है जो कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, तो लेपिडोप्टेरा अगर हम ऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज मोथ्स, उन सभी की जो डैमेजिंग स्टेज है वो लेपिडोप्टेरा होती है। उसी बिहाफ पे, उसी परस्पेक्टिव के थ्रू यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लैक है वो किस इंसेक्ट के थ्रू स्क्रीट किया जाता है, तो उसका जो आंसर है वो है स्केल इंसेक्ट। जो स्केल इंसेक्ट्स होते हैं मेनली किस ऑर्डर के हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो स्केल इंसेक्ट्स आते हैं इनकी फैमिली कौन सी है, तो आपने बताना है कि स्केल इंसेक्ट का मेनली जो हमारा लैक इंसेक्ट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और उस फैमिली के जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी स्पेसिफिकेशन ये होती है कि वो एक रेजिनियस सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसको हम लैक बोलते हैं। तो मेनली प्लांट या ट्री के ऊपर वो सब्सटेंस वो सीक्रेट करते हैं तो उसको हम जो है वो लैक बोलते हैं, और वो स्केल इंसेक्ट की जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है, वही सेम बात है लैक इंसेक्ट के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन एंड फर्दर उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में। तो जो लैक इंसेक्ट है इसका दूसरा नेम जो है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो कैरिया लैका है, और कैरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कैरिएसी फैमिली के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको हम जो है वो स्केल इंसेक्ट्स बोलते हैं, और उनकी स्पेसिफिकेशन ये होती है कि वो लैक, या फिर लैक नहीं बोला जाता स्पेसिफिकली उसको, लैक जो है वो लैक इंसेक्ट को ही, लैक इंसेक्ट की सिक्रीशन को ही लैक बोलते हैं, और बाकियों की जो स्केल इंसेक्ट की सिक्रीशन होती है उनको हम रेजिनियस सब्सटेंस बोलते हैं, जिनको हम फर्दर इंडस्ट्री पर्पजेस में यूज करते हैं। तो ये जो है वो कौन सी टू स्ट्रेन इसकी होती है, एग्जाम में ये भी आ जाता है। तो कुसमी एंड रंगनी स्ट्रेन स्ट्रेन इसकी टू होती है, और इसके होस्ट प्लांट्स कौन से हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेर, प्लास एंड कुसुम जो है वो इसके होस्ट प्लांट्स होते हैं, और बेस्ट क्वालिटी की अगर हम लैक की बात करें तो वो कुसुम ट्री से जो है वो बेस्ट क्वालिटी की लैक ऑब्टेन होती है। और इसका जो फैमिली कौन सी है, लैकिफेरेडी है या फिर कैरियाई जो है इसकी फैमिली होती है, जो कि स्केल इंसेक्ट्स की फैमिली है। तो यहाँ पे आपने, आपको स्केल इंसेक्ट के बारे में, लैक के बारे में यहाँ भी इतना पता होना चाहिए, और दूसरा किस किस प्लांट, कौन कौन से प्लांट इसके होस्ट होते हैं और कहाँ से इसको रेयर किया जाता है, ये हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और किस एरिया में ज़्यादा होता है, तो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के जो एरियाज हैं वहाँ पे जो है वो लैक प्रोडक्शन ज़्यादा होती है थ्रू द लैक इंसेक्ट। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही पूछा गया है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है वो रांची में लोकेटेड है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रांची में लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट है, फिरोमोन्स आर यूज्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ, तो फिरोमोन्स जो होते हैं वो किस पर्पस के लिए या फिर किस एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिरोमोन्स होते क्या हैं और उनका रोल क्या होता है, और ये फर्दर जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो अब फिरोमोन्स की बात हो रही है, बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट की बॉडी के, अब यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जो फिरोमोन्स हैं वो एक केमिकल्स होते हैं जिनको हम जो है वो, अब कोई ये बताओ कि जो फिरोमोन्स हैं इसके रिलेटेड दूसरी टर्म कौन सी होती है जिनका रोल भी जो है वो सेम होता है। तो बेसिकली सोमियो केमिकल के अंदर ये दोनों कैटेगरीज आती हैं फिरोमोन्स। तो जो फिरोमोन्स होती हैं वो इंटर स्पेसिफिक होती हैं या फिर इंट्रा स्पेसिफिक होती हैं, तो ये आंसर आपने करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो तो इजी क्वेश्चन था ये, कि ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आएगा। जो फिरोमोन्स है उसको तीनों पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, मॉनिटरिंग के लिए, मास ट्रैपिंग के लिए एंड मेटिंग डिस्ट्रप्शंस के लिए। तो अब फिरोमोन्स होते क्या है, इनका रोल क्या है, और ये क्या होते हैं, इंटर स्पेसिफिक है या फिर इंट्रा स्पेसिफिक है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो फिरोमोन्स हैं ये हैं इंट्रा स्पेसिफिक होती हैं। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या है, कि ये अपनी सेम स्पीशी को ही कॉज करती हैं, या फिर ये जो है वो सेम स्पीशी के रिलेटेड ही होती हैं, और ये इनको हम जो है वो एक्टो हार्मोन भी बोलते हैं। अब एक्टो हार्मोन का मतलब क्या है, बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर, आप सभी जानते हो कि उनका रोल क्या होता है। वो हमारी बॉडी के विद इन ही सिक्रीट होते हैं, और हमारी बॉडी के लिए ही वो हेल्पफुल या फिर हार्मफुल होते हैं।
बट यहाँ पे जो फिरोमोन्स की बात हो रही है, ये इनको हमने एक्टो हार्मोन क्यों बोला है, क्योंकि ये प्लांट की बॉडी के आउटसाइड रिलीज होते हैं और ये दूसरी स्पीशीज को कॉज करती हैं, तो इसका मतलब ये होता है एक्टो हार्मोन का। तो अब जो हार्मोन थे नॉर्मली वो हमारी बॉडी के विद इन सिक्रीट हो रहे हैं और हमारी बॉडी को ही डैमेज या फिर हेल्पफुल कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो एक्टो हार्मोन्स हैं वो बॉडी के आउटसाइड सिक्रीट होते हैं, प्लस दूसरी रिलेटेड स्पीशीज को, ये दूसरी सेम स्पीशी के बाकी के इंसेक्ट्स को या फिर ऑर्गेनिज्म को ये कॉज करती हैं। तो अब कुलदीप ने भी इसका आंसर जो है वो इंटर स्पेसिफिक बताया है। शैलजा ने बोला है कैरोमोन, एलोमोन्स एंड फिरोमोन्स, ये डिफरेंस बता दीजिए। तो वही मैं आपसे सेम पूछ रही थी। अब मैं आप अब हम बात कर रहे हैं इसकी, हमारे फिरोमोन्स की। तो अब फिरोमोन को हमने बोला कि इंट्रा स्पेसिफिक है और एक्टो हार्मोन्स है, मतलब कि जो इंसेक्ट होगा वो अपनी बॉडी के आउटसाइड इस केमिकल को सिक्रीट करेगा, जिस केमिकल को हम क्या बोलेंगे, फिरोमोन बोलेंगे। और ये जो केमिकल होगा वो उसके लिए, वो दूसरे इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल या फिर बेनिफिशियल कैसे होगा, ये दूसरे इंसेक्ट को जो कि उसी सेम स्पीशी के हैं उनको फूड के बारे में बताने के लिए, दूसरे इंसेक्ट की एक्टिविटी के बारे में बताने के लिए, प्लस मेटिंग पर्पज के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये जो है वो इसका ये रोल होता है, इसको हम इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। इसके अलावा अब अगर हमने फिरोमोन के थ्रू इंसेक्ट की मैनेजमेंट, अब हमने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि फिरोमोन के थ्रू किस एक्टिविटी को हम कंट्रोल करते हैं, तो वो कौन सी मॉनिटरिंग है, मतलब कि अगर सपोज करो किसी इंसेक्ट का हमें पता है कि इसका जो फिरोमोन है वो किस प्रकार का है, तो अगर हमने उसको आर्टिफिशली वहाँ पर रिलीज करवा दिया है या फिर वहाँ पे जो है वो आर्टिफिशली वहाँ पे छोड़ दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसी स्पीशी के सेम इंसेक्ट्स आएंगे, तो वहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी कि इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है। दूसरा क्या है, मास ट्रैपिंग, अगर उनकी पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा हो रही है तो वो ट्रैप हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फिरोमोन्स हैं वो मेल मोस्ट को जो है वो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये फीमेल रिलीज करती है ये वाले केमिकल जिसको हम फिरोमोन बोलते हैं, जो कि एक्टो हार्मोन है। तो उसी वजह से ये जो है वो ट्रैपिंग हो जाएगी उन मेल मोथ्स की, और अगर हमने अब वहां पे सारे इकट्ठे हो गए, दूसरा क्या हुआ, हमने उनको जो है वो वहां पे कंट्रोल कर लिया किसी न किसी वे से, उनको हमने किल कर दिया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो वहां पे स्टॉप हो गई और उनकी मेटिंग भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज भी नहीं हुई। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, मेटिंग डिस्ट्रप्शन, तो ऑटोमेटिकली मेटिंग डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, तो इसी वजह से सभी जो है इसके राइट आंसर आएंगे। इसके अलावा दूसरी बात हो रही है कि कैरोमोन्स क्या होते हैं। अब कैरोमोन्स क्या होते हैं, कैरोमोन्स जो हैं वो इंटर स्पेसिफिक होती हैं, मतलब कि वो मोर देन वन स्पीशी को जो है वो कॉज या फिर डैमेज या फिर उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो इनको हम जो है वो इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। तो दोनों में यही बिगेस्ट डिफरेंस होता है कि कौन से इंटर स्पेसिफिक हैं, कौन से इंटर स्पेसिफिक हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोगर्मा चाइलोएंसिस इज व्हाट। तो फॉलोइंग ऑप्शन में से जो ट्राइकोगर्मा पूछा गया है ये क्या है, तो अब ये क्या है इसका आंसर आप सभी ने करना है। एलिलो केमिकल्स क्या होते हैं, तो एलिलो केमिकल्स क्या है, बेसिकली जो हॉर्मोन्स होते हैं, सॉरी, जो मैंने आपको कैरोमोन्स बताया उनको हम एलिलो केमिकल्स बोलते हैं, जो कि इंटर स्पेसिफिक होते हैं। तो एलिलो केमिकल्स इंटर स्पेसिफिक है और ये जो है वो विद इन मोर देन वन स्पीशी के लिए जो ये हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि ट्राइकोगर्मा चाइनोसिस क्या है, तो ये एक पैरासिटॉइड होता है बेसिकली। तो पैरासिटॉइड क्या होता है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पैरासिटॉइड्स होते क्या हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पैरासाइट है, प्रीडेटर है, पैरासिटॉइड है या फिर पेस्ट है। पेस्ट क्या है, ये तो आप सभी को पता है कि अगर कोई भी इंसेक्ट जो है वो हमारी क्रॉप को पर्टिकुलर नॉर्मल लेवल से ज्यादा डैमेज कर रहा है, या उस पर्टिकुलर पेस्ट की इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो क्रॉप को डैमेज कर रही है, तो उस इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। तो ओनली हार्मफुल वालों को ही, या फिर जिसका पर्टिकुलर लेवल होता है उस लेवल से ज्यादा अगर वो डैमेज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंसर आपने बताना है। इसके अलावा अब क्या कौन कौन सी टर्म्स हैं, पैरासाइट का मतलब क्या है, प्रीडेटर का मतलब क्या है, पैरास्टॉइड का मतलब क्या है, या फिर पेस्ट का मतलब क्या है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में फिरोमोन की बात की थी, तो वहां पे एक पॉइंट स्किप हो गया कि फिरोमोन के अंदर, अब हमने ये तो देख लिया कि ये एक्टो हॉर्मोन्स हैं या फिर ये केमिकल्स होती हैं, तो कोई बता सकता है कि जो कॉटन का बॉल वॉर्म है, कॉटन बॉल वॉर्म है मेनली, या फिर
जो हमारा पॉड बोरर होता है, जिसको हम हेली कवरपा बोलते हैं, उन दोनों का जो फिरोमोन है वो कौन सा है, या फिर उनका फिरोमोन बताना है कि आपने उस केमिकल को हम किस नेम से जानते हैं, फिरोमोन को, उसके फिरोमोन को हम किस नेम से जानते हैं, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अदरवाइज हम इसको एंड ऑफ द सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब ट्राइकोगम्मा क्या होता है, बाकी के टर्म्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इसका राइट आंसर सभी ने बता दिया कि पैरास्ट्राइड है ये एक, और पैरासाइट, प्रीडेटर, पेस्ट। पेस्ट तो आप सभी जानते हो, और किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन नॉर्मल थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा बढ़ रही है और वो ज़्यादा कॉज कर रहा है, हमारी क्रॉप को डैमेज कर रहा है, उसको हम पेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट का मतलब क्या है कि जो प्लांट, जो भी हमारा कोई भी इंसेक्ट है, ऑर्गेनिज्म है, एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, उसके ऊपर रह रहा है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। जो जिसके ऊपर वो रह रहा है वो पैरासिटिक प्लांट होता है, और वो जो है वो पैरासाइट होता है, मतलब कि वो उसका बेनिफिट ले रहा है, उस पर्टिकुलर प्लांट का बेनिफिट ले रहा है। तो अनीता ने बोला है, शैलीजा ने बोला है गॉसीफ्लोर, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, और फिटनेस फ्रीक ने बोला है हेलियोलोर और गॉसीप्लोर। तो गॉसीप्लोर जो है वो कॉटन बॉलवर्म के लिए है, और जो हेलियोलोर है वो है हमारा हेलिकवरपा आर्मीगेरा, जो कि हमारा पॉड बोरर होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफेगस पेस्ट भी बोलते हैं, उसके लिए जो ये दोनों फिरोमोन्स होते हैं। तो वेरी गुड, जिसने भी बताया, दोनों ने, आप सभी ने इसका आंसर बताया, गॉसीप्लोर और हेलियोलोर दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर थे, और जो थे आपने बताया, आपके लिए अच्छी बात है, आपको इसके बारे में जो है वो अच्छी नॉलेज है। इसके अलावा पैरा प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर में और पैरास्टाइड में क्या डिफरेंस है। दोनों ही जो हैं वो प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों ही जो हैं वो दूसरे पर्सन को अफेक्ट करने का, डैमेज करने का, ख़त्म करने का काम करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो पैरास्टाइड होता है वो अपने होस्ट के जैसा, सेम शेप साइज उसका जो है वो होस्ट के जैसा ही होता है, मतलब कि जितने साइज का उसका होस्ट है उतने ही साइज का जो है वो पैरास्टाइड होता है। बट जो हमारा प्रीडेटर है, इसका साइज जो है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू देयर होस्ट, तो वो अपने होस्ट से ज़्यादा लार्ज होता है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है। और किस क्रॉप का, अब इन इनको हम, अब ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो है वो किस इंसेक्ट पेस्ट के किस कंट्रोल में आते हैं, किस कंट्रोल मेजर में ये काउंट किए जाते हैं। तो मेनली इनमें, सरजा आपने सही बताया, दोनों में साइज का डिफरेंस होता है, और ये अपने दूसरे इंसेक्ट को जो कि इसके होस्ट होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं, तो इनको हम किस कंट्रोल के अंदर इंक्लूड करते हैं, ये आपने आंसर बताना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉमन पैरास्टाइड्स होते हैं। तो मेनली ट्राइकोगर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ट्राइकोगर्मा चाइलेंसिस जो है वो शुगर केन के अंदर हम इसको एज अ पैरास्टाइड यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए पैरास्टाइड करते हैं, स्टेम बोरर के लिए एंड टो बोरर के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे इसके शुगर केन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पेस्ट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ट्राइकोगर्मा चाइलेंसिस या फिर ब्रेसिलियंस, इसको जो है वो कॉटन के अंदर बॉलवर्म के लिए यूज किया जाता है। ये भी जो है वो सिमिलर हो गया आपको, कॉटन शुगर केन दोनों इस प्रकार से याद रहेगा, दोनों ही जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, इस प्रकार से आपने इसको याद रखना कि दोनों का जो पैरास्टाइड है वो सेम है अप्रॉक्सीमेटली। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, राइस का, आप सभी को पता है ट्राइकोगर्मा जैपोनिकम जो है वो राइस का पैरास्टाइड है, और इन सभी को हम जो है वो पैरासाइट हो गया, प्रीडेटर हो गया, पैरास्टाइड हो गया, इन सभी को हम जो है वो एज अ बायोलॉजिकल इंसेक्ट या पेस्ट कंट्रोल यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा पायरीला का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो एग्जाम में आ जाता है कि जो पायरीला परपुसुला है ये किस क्रॉप का इंपॉर्टेंट पेस्ट है, तो ये राइस का, सॉरी शुगर केन का पेस्ट है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, आपने इसका दूसरा नेम बताना है जो कि इसका कॉमन नेम है, और इसका पैरास्टाइड कौन सा है, एप्रिसिनिया मेलिनोला जो है इसका जो है वो पैरास्टाइड है। अब वुली एप्पल एफिड, जो कि एप्पल का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पेस्ट होता है, उसका पैरास्टाइड कौन सा है, वो होता है एफिलेंस मेली जो है इसका पैरास्टाइड है। उसके अलावा हेलिकवरपा आर्मीगेरा, जिसकी बारे में अभी हमने बात की थी फिरोमोन्स के अंदर, तो उसका जो पैरास्टाइड है वो है ब्रैकन स्पीशी। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्रैकन स्पीशी है, ब्रैकन ही आता है बेसिकली, वो किस पेस्ट का जो है वो पैरास्टाइड होता है, तो आपको पता होना चाहिए हेलिकवरपा का है। दूसरा किसका है, पिंक कॉटन बॉलवर्म का है, जिसको हम पैक्टिनिफोरा गॉसिपल्ला के नेम से जानते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, मिली बग, जो कि सिट्रस के अंदर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, तो मिली बग का भी पैरास्टाइड आपको जो है वो याद होना चाहिए। ये सारे पैरास्टाइड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम प्रीडेटर की बात करें, तो अब ये बताओ कि जो एफिड का प्रीडेटर है वो कौन सा इंसेक्ट है, ये आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
की तरफ, बैगिंग इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ. तो बैगिंग को हम किस कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, आपको फोटोग्राफ देख के क्लियर हो चुका होगा. तो बैगिंग जो है वो अनार बटरफ्लाई के लिए कंट्रोल करने के लिए उसको यूज किया जाता है. इसमें क्या होता है कि जो पॉमग्रेनेट का फ्रूट है उसको बैगिंग कर दी जाती है उसकी. तो बेसिकली बैगिंग जो है वो ऐसे मटेरियल के थ्रू की जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो एयर का एक्सचेंज होता रहे. तो अजीत ने बोला है लेडी बग बीटल, सहजदा ने बोला है लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल. तो आपका राइट आंसर है प्रीडेटर, जो एफिड के लिए प्रीडेटर है वो लेडी बर्ड बीटल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा बैगिंग हम किसके अंदर करते हैं, अनार बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जो कि पॉमग्रेनेट के अंदर एक पेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम बैगिंग करते हैं. बैगिंग मेनली जो है वो पेपर के थ्रू की जाती है, और ये जो है वो इसके थ्रू जब फ्रूट हमारा हार्वेस्टिंग स्टेज में पहुंच जाता है या फिर पहुंचने वाला होता है उस स्टेज में इसको बैगिंग को यूज किया जाता है टू कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन. इसके अलावा द पैरालाइसिस ऑफ हनी बी इज कॉज्ड बाय, तो अब ये डिजीज की बात हो गई. किसी भी अगर हम हमारा मिसलेनियस वेक्ट पढ़ रहे हैं, मिसलेनियस क्रॉप पढ़ रहे हैं, या फिर हम इंसेक्ट की या फिर किसी भी एनिमल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए डिजीज पढ़ने हमारे लिए थ्रिप्स और वाइट फ्लाई एक्सप्लेन करनी है, मंगेश ने बोला है. तो थ्रिप्स एंड वाइट फ्लाई क्या है, बेसिकली ये एक वैक्टर होते हैं. वैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी इंसेक्ट जो किसी डिजीज को डिसेमिनेट करने में हेल्पफुल है या फिर उसको ट्रांसमिट कर रहा है उसको हम वेक्टर बोलते हैं. तो अब अगर आपको एग्जाम में मेनली जो वायरल डिजीजेस हैं वो तभी स्प्रेड होंगे जब वो ट्रांसमिट होंगे, तभी वो फैलेंगे. अदरवाइज तो जिस प्लांट पे, पर्टिकुलर प्लांट पे वो हैं वहीं पे रहेंगे, बट अगर उनको कोई ट्रांसमिट कर रहा है, कोई उनको फैला रहा है, डिसेमिनेट कर रहा है, तो तभी वो डिसेमिनेट होंगे. तो मेनली जो इंसेक्ट्स हो गए सारे, हॉपर्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गए, सभी जो हैं वो उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. क्योंकि जो वाइट फ्लाई है हमारा, जो वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, सकिंग इंसेक्ट्स होती हैं जो कि प्लांट की सैप को सक करती हैं, और वायरस भी उसी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इसी वजह से ये वायरस को ट्रांसमिट करने में या फिर डिसेमिनेट करने में हेल्पफुल होती हैं. तो अब आपको एग्जाम में मेनली जितने भी हमारे लीफ कर्ल वायरसेस होते हैं, कोई भी वायरल डिजीज अगर है, तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में कि सपोज करो अगर हम लीफ कर्ल की ही बात कर रहे हैं, या फिर हमारा जो ओकड़ा के अंदर मोज़ेक वायरस होता है, येलो वेन मोज़ेक वायरस, जो कि ओकड़ा का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, तो अगर आपको ये आ जाए कि जो ओकड़ा का येलो वेन मोज़ेक है, ये डिजीज किसकी वजह से, इसको कौन कॉज करता है, तो अगर जो कॉज की बात आ रही है तो कॉज उसको वायरस ही करेगा. बट अगर ट्रांसमिट की या फिर स्प्रेड की बात हो रही है, तो स्प्रेड या ट्रांसमिट उसको कौन करेगा, तो वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वैक्टर्स होते हैं पर्टिकुलर क्रॉप के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर डिजीज के अकॉर्डिंग. वो वैक्टर जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है. तो अगर हम थ्रिप्स की और वाइट फ्लाई की बात करें, तो जितने भी हमारे लीफ कर्ल डिजीज हैं मेनली वेजिटेबल्स के अंदर, उन सभी को जो है वो वाइट फ्लाई ही स्प्रेड करती है, ट्रांसमिट करती है या फिर डिसेमिनेट करती है. बट उनको कॉज कौन करता है, कॉज उनको वायरस ही करेगा, और जो स्प्रेड करेगा वो वाइट फ्लाई करेगी. अगर चिली के अंदर आपको कंफ्यूजन है कि जो चिली का लीफ कर्ल वायरस है उसको कौन ट्रांसमिट करता है, तो उसका आंसर थ्रिप्स नहीं आएगा, उसका आंसर भी जो है वो वाइट फ्लाई ही है. तो यस, विकास ने बोला इसका साइंटिफिक नेम जो है वो बेमेसिया तेबैकी है, बिल्कुल राइट है आपका आंसर. तो पैरालिसिस हनीबी में कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइकोप्लाज्मा. तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायरस. वायरस जो है वो हनीबी के अंदर पैरालिसिस को कॉज करता है. तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो हनीबी के इंपॉर्टेंट डिजीजेज एंड पेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं. तो हनीबी को दूसरे इंसेक्ट अगर डैमेज कर रहे हैं तो उसको भी हम पेस्ट ही बोलेंगे. तो इसी वजह से हनीबी के अंदर जो पेस्ट होती हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके जो एनिमीज हैं, दूसरे इंसेक्ट जो इसके एनिमीज हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट है. बेनिफिशियल किस वजह से है, सबसे बड़ा रोल तो इसका पॉलिनेशन में है. दूसरा क्या है, इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे आपको पता है वैक्स मिलती है, वेनम मिलता है. इसके अलावा जो हनी, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हनी है, और इसके बाकी सभी जो प्रोडक्ट्स हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. पपाया लीफ कर्ल वायरस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट ये किसके थ्रू होगा, इसका वेक्टर कौन है, तो इसका वेक्टर जो है वो एफिड होता है, एफिड के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है. चिली में थ्रिप्स नहीं आ सकता कभी भी, तो चिली में थ्रिप्स नहीं आएगा, ओनली वाइट फ्लाई ही आएगा अगर लीफ कर्ल की हम बात कर रहे हैं. तो पपाया का जो है वो एफिड होता है. और यहाँ पे मेनली इसके जो हनी बी के पेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, हनी रोबर मॉथ है, दूसरा कौन सा है, वैक्स मॉथ.
वैक्स मॉथ जो है वो हनी का इम्पोर्टेंट पेस्ट है। इसके अलावा हनी रोबर मॉथ दोनों ही हनी बी को डैमेज करते हैं और इनको हम जो है वो पेस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीजेज की बात हो रही है, तो डिजीजेज इसके काफ़ी सारे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो नोसेमा डिजीज़ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हनी बी का नोसेमा डिजीज़ है वो किसके थ्रू जो है वो इसको कॉज कौन करता है, तो ये मेनली इसको जो है वो प्रोटोजोआ कॉज करता है। प्रोटोजोआ की कौन सा जीनस है, वो है नोसेमा जीनस, जिस जहाँ से इसका नेम डेवलप हुआ है। और इसके अलावा जो एक्राइन डिजीज़ है ये माइट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है और इसके में जो है वो हनी बी की विंग्स जो है वो के शेप की बन जाती हैं। तो इसका ये सिम्टम भी आपको आ सकता है कि कौन सा ऐसा हनी बी का डिजीज़ है जिसके अंदर उसकी जो विंग्स हैं वो के फॉर्म में बन जाती हैं, तो ये एक्राइन डिजीज़ है। और दूसरा नोसेमा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट कौन कौन सी हैं, वायरल के थ्रू कौन से हैं, बैक्टीरियल के थ्रू कौन से, फंजाई के थ्रू कौन से हैं। तो अब जो बैक्टीरिया वाले हैं और फंगस वाले हैं ये मोस्ट कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि ये ब्रूड वर्ड जो आ रहा है वो इन दोनों में ही आ रहा है। तो इसी वजह से आपने ध्यान में रखना है कि अगर अमेरिकन फोलब्रोड और यूरोपियन फोलब्रोड की बात हो रही है, मतलब कि अगर नेम आ रहे हैं कंट्रीज के, तो उसमें जो हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा हनी बी के अंदर वो कौन सा होगा, बैक्टीरिया होगा। बट अगर नॉर्मल ब्रूड्स की बात आ रही है, चौक ब्रूड एंड स्टोन ब्रूड, जो कि हमारा बोल सकते हैं कि रॉक्स का प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम इनको, तो इनका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो फंगस है, फंजाई की वजह से कॉज होते हैं। प्लस वायरस वाले कौन कौन से हैं, एक तो हमने डिस्कस कर ही लिया है पैरालाइसिस, दूसरा कौन सा है थार सैक ब्रूड एंड सैक ब्रूड। तो ब्रूड तीनों में ही वर्ड था, बट अगर हम कंट्रीज वाइज कंट्री वाले जो नेम है अमेरिकन यूरोपियन जो कि कॉन्टिनेंट्स भी हैं, तो उसमें जो आएगा वो आएगा बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, और फंजाई वाले कौन से हैं, स्टोन एंड चाक हैं जो कि रॉक्स का पार्ट हम इसको बोल सकते हैं, और जो रिमेनिंग वाले आएंगे पैरालाइसिस को इंक्लूड करके वो सारे जो हैं वो वायरस डिजीज के अंदर हैं। तो इस प्रकार से याद करना है आप सभी ने इसके अंदर। और आज था हमारा सेशन इतना ही, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। साथ में हमने जो है वो डिस्ट्रक्टिव पेस्ट को, डिजीज़ को जो है वो डिस्कस किया है कोई कौन कौन से हैं, प्लस हमने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी साथ में स्टडी किया है। तो ये हमारा टॉपिक जो था वो आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन और जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वही क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। तो इसी के साथ हम हमारा सेशन आज का यही ओवर होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।